नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आचार्य जागेंद्र मिश्रा चैनल पर। 19 सितंबर गणेश चतुर्थी के दिन गाय माता को चुपचाप बस ये छोटी सी चीज खिला देना, सात पीढ़ी तक बैंक बैलेंस बढ़ता ही जाएगा, दुख दूर होंगे, सुख पास आएगा। दोस्तों, पूरे 500 सालों के बाद बन रहा है दिव्य और दुर्लभ महाशुभ संयोग। 19 सितंबर 2023 दिन मंगलवार, गणेश चतुर्थी के दिन चुपचाप गाय को खिला दें यह एक छोटी सी चीज। रोड़पति भी होंगे करोड़पति, मिलेगी सभी संकटों और कष्टों से मुक्ति, मृतदंड पितृदोष तुरंत हो जाएगा खत्म। पूरे साल आप घर में भगवान गणेश जी और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से भरे रहेंगे अन्न धन के भंडार। यूं कहें कि आपकी सात पुश्ती तक करेगी रुपये पैसों में राज, सात पीढ़ी तक बैंक बैलेंस बढ़ता ही चला जाएगा, दुख दूर हो जाएंगे और सुख आपके कदमों पर आ जाएगा। यदि आप एक छोटी सी चीज गणेश चतुर्थी के दिन, आप 19 सितंबर दिन मंगलवार, गणेश चतुर्थी का जो दिन होता है भगवान गणेश जी को समर्पित है, इस दिन गाय माता को चुपचाप यह एकमात्र चीज खिला देते हैं तो समझ लेना आपके जीवन के जो भी दुख दर्द संकट कष्ट है उन सभी से आपको छुटकारा मिल जाएगा। ये मान के चलिए आप, इतना दुर्लभ संयोग है इस बार गणेश चतुर्थी के दिन। दोस्तों, अपने फायदे के लिए इस वीडियो को पूरा देखना। एक ऐसी खास और महत्वपूर्ण चीज़ आपको बताएंगे जो आपको गाय को खिलानी है गणेश चतुर्थी के दिन, जिसे खिलाने से भगवान गणेश जी की कृपा आपको तो प्राप्त होनी होनी है, साथ ही साथ 33 कोटि देवी देवताओं को धारण करने वाली साक्षात गौ माता की कृपा आपके और आपके पूरे परिवार के ऊपर सदैव बनी रहेगी। दोस्तों, यकीन मानिए, यदि आप एक इस खास चीज़ को गौ माता को आप गणेश चतुर्थी के दिन खिला देते हैं तो आपके जीवन में कोई भी किसी भी प्रकार के दुख दर्द संकट और कष्ट हैं, परेशानी है, गरीबी है जो पीछा नहीं छोड़ रही, तो तत्काल गरीबी समाप्त हो जाएगी, भूल जाएगी घर का रास्ता और धन आपके घर में खींचा चलाएगा और धन इतना होगा कि सात पोस्त तक, सात पीढ़ियों तक धन दौलत की कमी नहीं होगी, बल्कि आपके घर में सात पीढ़ी तक रुपये पैसों में मौज करेंगे। आप इतना इनकी रुपये पैसा पाओगे तो इतना अच्छा दुर्लभ संयोग बन रहा है इस बार गणेश चतुर्थी के दिन, तो मौके को हाथ से बिल्कुल भी ना जाने दें। जिस प्रकार से इस वीडियो में हम आपको गाय के उपाय बताएंगे, उसी प्रकार से आपको उपायों को करेंगे तो आपको 100% लाभ अवश्य मिलेगा। आप माला माल हो जाओगे, गरीबी आपके जीवन से हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों, अपने और अपने परिवार वालों के फायदे के लिए वीडियो को पूरा देखें, नज़रअंदाज बिल्कुल भी मत करना, अन्यथा आपको पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा, फायदा आपके और आपके परिवार वालों का है। तो दोस्तों, वीडियो को देखकर ही जाएं और वीडियो को पूरा देखेंगे तभी कहेंगे वाकई आपके लिए ये वीडियो काफ़ी फायदेमंद वीडियो है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करें, सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, यदि माता लक्ष्मी और गणेश भगवान के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। जी हाँ दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और कमेंट में लिखेगा जय गणेश जी, जय माता लक्ष्मी। और दोस्तों, यदि आप गणेश भगवान की कृपा पाना चाहते हैं, रिद्धि सिद्धि की कृपा पाना चाहते हैं, अपार धन संपदा चाहते हैं तो इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करिएगा। चलिए अब बात करते हैं गणेश चतुर्थी के दिन। सबसे पहले गाय के उपाय बताने से पहले गणेश चतुर्थी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बातें। दोस्तों, आपको बता दें कि सनातन धर्म में भगवान गणेश जी की उपासना का विशेष महत्व है। गणेश जी की उपासना प्रथम देवता के रूप में की जाती है। बता दें कि प्रत्येक वर्ष भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन भगवान गणेश जी का जन्मोत्सव बड़ो ही हर्ष उल्लास के साथ धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस दिन गणपति बप्पा यानी कि भगवान गणेश जी की उपासना की जाती है और इन्हें घर लाया जाता है और विधिवत 10 दिनों तक इनकी उपासना की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी की उपासना करने से साधक को सुख समृद्धि बल बुद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आपको बता दें कि इस बार जो गणेश चतुर्थी का पावन पवित्र पर्व है वह 19 सितंबर दिन मंगलवार को है। इस दिन बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाएगा गणेश चतुर्थी का पर्व। आपको बताना चाहेंगे कि शास्त्रों के अनुसार गणेश चतुर्थी के दिन साधक को स्नान ध्यान करके पूजा स्थल की अच्छी तरह से साफ सफाई करें, फिर भगवान गणेश जी की विधिवत उपासना करें और शुभ मुहूर्त
मैं ईशान कोण में एक साफ चौकी पर नया वस्त्र बिछाकर भगवान गणेश जी की मूर्ति को स्थापित जरूर करें और साथ ही साथ माता लक्ष्मी जी की आपको विधिवत विधि विधान से पूजा अर्चना इस दिन जरूर करनी चाहिए। संध्या काल में पूजन उपासना करें, पूजा के बाद आरती अवश्य करें और अपनी मनोकामना मांगें। साथ ही साथ इस दिन भगवान गणेश जी को आप दुर्वा की माला दुर्वा जरूर चढ़ाएं, मोदक का लड्डू चढ़ाएं, भोग के रूप में मोतीचूर के लड्डू चढ़ाएं तो भगवान गणेश जी बहुत ही प्रसन्न होते हैं। चलिए अब आइए बात कर लेते हैं गाय से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण उपाय। दोस्तों, सनातन धर्म में गाय को, गंगा को और गायत्री का काफ़ी महत्व है। गाय को लक्ष्मी स्वरूप माना गया है। कहा जाता है कि गाय की सेवा करने से घर परिवार सुखी और संपन्न रहता है। जिस घर में गाय की सेवा निस्वार्थ भाव से होती है उस घर में लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा बनी रहती है, और जिस घर में गाय की सेवा नहीं होती अचानक से किसी प्रकार के वहाँ पर अपशगुन विघ्न बाधाएँ आती रहती है। तो वैसे तो कुछ लोग शहरों में रहते हैं, महानगरों में रहते हैं, तो वहाँ पर गाय पालना संभव नहीं है, लेकिन गाय को वहाँ पर रोटी जरूर खिलाई जाती है। लेकिन कई बार गाय को खिलाने में कुछ भूल हो जाती है। कौन सी दोस्तों? जैसे कि आप विशेष तौर पर ध्यान दें। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि गाय के अंदर सभी देवी देवताओं का निवास माना जाता है, तो सुबह की जो सबसे पहली रोटी है वो गाय को जरूर खिलाएँ। इससे सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है और गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का निवास होता है, तो इससे माता लक्ष्मी जी, गणेश जी और भगवान विष्णु जी, शिव जी, ब्रह्मा जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यदि आप गणेश चतुर्थी के दिन गाय को घर की सबसे पहली रोटी पर एक चुटकी हल्दी और उसमें थोड़े से दूरबा रखकर और घी रखकर और थोड़ी सी मिश्री रख दें और आप इसमें थोड़े से गुड़ रखकर गाय को खिला दें तो जन्मों जन्मों की गरीबी दूर हो जाती है, 7 पीढ़ी तक बैंक बैलेंस बढ़ता ही जाता है। दोस्तों, जो लोग मानसिक रूप से परेशान हैं वो गाय को रोटी गणेश चतुर्थी के दिन जरूर खिलाएं, गुड़ रखकर। सकारात्मक ऊर्जा आती है, टेंशन खत्म होते हैं, स्वास्थ्य अच्छा रहता है और आपको लगता है कि आपके सभी ग्रह खराब है, तो ऐसे में आपको गाय को गणेश चतुर्थी के दिन सबसे पहली रोटी पर दूरबा जरूर रखें। दूरबा बहुत ही प्रिय होता है, ये जरूर रखकर, तो इससे गणेश भगवान की कृपा बरसेगी, माता लक्ष्मी जी कृपा बरसेगी, सभी ग्रह धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे और सुचारू रूप से काम करना शुरू हो जाएंगे। गाय को आप जरूर प्रणाम करें, मस्तक को छुएं, उनके पैर को छुएं। गाय को रोटी खिलाने से सुख समृद्धि होती है, लेकिन बासी रोटी बिल्कुल भी ना खिलाएं। ध्यान रखिएगा, आपको बासी रोटी नहीं खिलाना है और बासी चारा भी नहीं, सड़ा गला चारा घास जो होता है वो भी नहीं खिलानी है। यानी कि आपको, जैसे कि बहुत सारे लोग नहीं ध्यान देते हैं, बासी तिबासी भोजन खिला देते हैं, तो इस दिन जो भी पक्का भोजन आपके यहाँ बना हो, खीर पूड़ी हलवा वगैरह, जो भी मोतीचूर के लड्डू भी खिला सकते हैं गाय को। साथ ही मोदक का लड्डू जो भगवान गणेश जी को आपने भोग के रूप में चढ़ाया है उसे अगर रोटी में रखकर खिलाते हैं, मोतीचूर के लड्डू अगर रोटी में रखकर खिलाते हैं तो भगवान गणेश जी की कृपा से करोड़पति भी हो जाएंगे, करोड़पति रातों रात अमीर बन जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, यकीन ना हो तो एक बार करके देखिएगा। दोस्तों, गाय को सड़े गले चीज़ें खिलाने से अपमान माना जाता है। गाय को सबसे पहले रोटी खिलाएं और साथ ही आप पीपल के पत्ता ले लें, इस पत्ते पर एक रोटी रखकर, थोड़े से गुड़, थोड़ी सी मिश्री, हल्दी रखकर गाय को इस दिन खिलाने से लाभ होता है। साथ ही काले तिल, गुड़ और घी से बने लड्डू गाय को खिलाने से जन्मों जन्मों की गरीबी दूर हो जाती है। दोस्तों, गाय के दूध में अमृत का वास है। गाय को, यानी कि जो दूध होते हैं जिससे दही निकलता है, इससे छाछ निकलता है, घी निकलता है, तो बहुत ही ये अमृत सी चीज़ हो जाती है जो हमारे लिए पौष्टिक का काम करती है खाने पीने में। दोस्तों, घर में गरीबी अगर आप चाहते कि ना आए तो गाय को आप रोटी जरूर रोजाना खिलाएं। दोस्तों, 84 लाख योनियों के सफ़र करने के बाद आत्मा अंतिम योनि के रूप में गौ का रूप धारण करती है। गाय लाखों योनियों का वो पड़ाव है जहाँ आत्मा विश्राम करके आगे की यात्रा करती है। दोस्तों, आपसे एक छोटी सी निवेदन है, आप अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को आप तुरंत लाइक कर दें। तो चलिए फिर से बात करें कि आगे की जो यात्रा होती है, जो विश्राम होता है गाय की, दोस्तों गाय का कोई भी अपशगुन नहीं होता है। जिस भूभाग पर मकान बनता है वहाँ पर अगर आप 15 दिन के लिए गाय का बछड़ा बांध देते हैं और गाय सहित वह जगह पवित्र हो जाता है,
गंगा के समान हो जाता है। गाय में सभी देवी देवताओं का निवास होता है। गाय से मूत्र, गोबर, हर कुछ प्राप्त होता है। पंचामृत गाय के दूध से ही बनता है। तो गौ माता अगर आपके घर में है, आती है गणेश चतुर्थी के दिन, तो उसे जरूर रोटी खिलाएं। दोस्तों, इस दिन भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना करने के बाद फिर विधिवत आप क्या करें कि आटा ले लें और आटे को अच्छे से गूंद कर उसकी एक रोटी तैयार करें और गणेश जी के सामने रख दें, और फिर इस रोटी पर थोड़े से गुड़, थोड़े से हल्दी, थोड़े से दूर्वा, थोड़े से मिश्री, और अगर आपने खीर बनाए तो खीर भी रख दें। मोतीचूर के लड्डू, मोदक के लड्डू रखकर चुपचाप ले जाकर गाय माता को खिला दें। दोस्तों, जन्मों की गरीबी दूर हो जाएगी, 7 पीढ़ी तक बैंक बैलेंस बढ़ेगा। तो इस प्रकार से उपाय करेंगे तो गरीबी मिटेगी, दरिद्रता निर्धनता दूर होगी। तो दोस्तों, अगर आप वाकई में भगवान गणेश जी से सच्चा प्यार करते हो, चाहते कि भगवान गणेश जी कृपा आपके और आपके परिवार के ऊपर सदैव बनी रहे, तो इस वीडियो को आप लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा और कमेंट में जय गणेश जी लिखेगा और इसे शेयर कर दीजिएगा। जय गणेश जी, जय माँ लक्ष्मी।